दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी देसी दवाई या पौधे के बारे में जो खांसी, बलगम और गले की बीमारी के लिए चमत्कारी दवाई मानी जाती है। इसका नाम है अड़ूसा, जिसे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे वसा का, वासा, बिसोटा या मालाबार नट प्लांट के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका बोटेनिकल नेम अधेटोडा वेसाइका होता है। यूनानी और आयुर्वेदिक पद्धति में इसे खास तौर पर मौसमी और बलगमी खांसी, ब्रोंकाइटिस और एलर्जिक कफ के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अड़ूसा प्लांट के मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ रोचक जानकारी और घरेलू नुस्खे, जैसे इसका काढ़ा कैसे बनाते हैं और इसके कौन कौन से पार्ट मेडिसिन की तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। इसके पत्तों में मौजूद एक्टिव कंपाउंड्स जैसे वेसिसीन एंड वेसिकोनीन बलगम को पतला करके लंग से बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे मरीज को आसानी से सांस लेने में मदद मिलती है। अड़ूसा में एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जो गले की सूजन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करते हैं। इसलिए ये ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अड़ूसा एक बहुत ही अच्छा हर्बल एक्सपेक्टोरेंट है एंड ब्रोंकोडायलेटर है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है वो दवाइयां जो बलगम को बाहर निकालने में आसानी से मदद करती है, उनको एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। और ब्रोंकोडायलेटर्स उन मेडिसिन को कहा जाता है जो सुखड़ी हुई सांस की नलियों को फैलाने में, खोलने में आपकी मदद करती है। अड़ूसा को मौसमी बीमारियों, सर्दी जुकाम और बदलते मौसम के कारण होने वाली खांसी और कफ के इलाज की रामबाण दवा कहा जाता है। ये केमिकल बेस्ड दवाओं के मुकाबले बहुत ज्यादा सुरक्षित है। अड़ूसा के पत्तों, छाल और फूलों तीनों को ही बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खांसी और बलगम के इलाज के लिए इसके पत्तों को काढ़े के रूप में और सूखे फूलों को पाउडर बनाकर इस्तेमाल करते हैं, और छाल का इस्तेमाल एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर या खून साफ करने के लिए किया जाता है। अगर आपको रात में बार बार खांसी आती है तो अड़ूसा का काढ़ा पीने से आपको तुरंत राहत मिलती है। काढ़ा बनाने के लिए 4 से 5 अड़ूसे के पत्ते ले लें, एक छोटा अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 तुलसी के पत्ते और 4 से 5 काली मिर्च के दाने लेके 1 गिलास पानी में डाल के उसको उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो उसको छान लें और इस काढ़े में 1 चम्मच शहद मिला दें। दिन में 2 से 3 बार पिए सुबह शाम, लगातार अगर आप 4 से 5 दिन इसको इस्तेमाल करते हैं, ये गले की सूदिंग इफेक्ट देगा और खांसी और बलगम को बहुत फायदा पहुंचाएगा। ब्रोंकाइटिस के लिए आप अड़ूसा के सूखे पत्तों की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी चाय में 1 से 2 पत्ता डाल के उबाल लें, नॉर्मल चाय जैसे बनाते हैं उसमें। ये चाय जो है आपको ब्रोंकोडायलेटर का काम करेगी, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। लंग से पोल्यूशन की गंदगी को भी बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। इस्तेमाल करके देखें और कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दें। गले की खराश और सूखी खांसी के लिए अड़ूसा के फूलों के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। 1/2 चम्मच फूलों का पाउडर ले लें, उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर मिला के इसको अगर आप सुबह शाम चाटेंगे तो ये आपके गले की खराश को और सूखी खांसी को, जो सर्दी जुकाम वगैरह से हो जाती है, मौसमी खांसी को पूरी तरीके से ठीक करेगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन घरेलू उपाय है। छाल का इस्तेमाल देखिए ब्लड प्योरीफायर की तरह से किया जाता है। तो अड़ूसा के कुछ 4-6 टुकड़े ले लें, छोटे छोटे, उसमें 8-10 गुलाब के फूल की पत्तियां डाल दें, उसको पानी में उबाल लें अच्छे से और इसको छान के आप सुबह शाम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये बेहतरीन ब्लड प्योरीफायर का काम करेगा, आपकी खून से संबंधित और स्किन से संबंधित बहुत सारी बीमारियों में मदद करेगा। गर्भवती महिलाएं और बच्चे डॉक्टर की सलाह के बिना इसे इस्तेमाल ना करें, अधिक खुराक लेने से उल्टा असर हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में हमें बताएं कि आप अड़ूसा को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।